इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं वृंदावन के एक अद्भुत मंदिर के दर्शन कराने, जिसे पागल बाबा का मंदिर कहा जाता है। मित्रों, आपने भी पागल बाबा मंदिर का नाम अवश्य सुना होगा, क्योंकि यह मंदिर वृंदावन के सबसे अद्भुत मंदिरों में से एक है। 221 फीट ऊंचा 9 मंजिलों वाला यह मंदिर सफेद संगमरमर से बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण 1969 में हुआ था और इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 1981 में हुई थी। कृष्ण जी के इस मंदिर को पागल बाबा का मंदिर कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना अवश्य पूरी होती है। लोग अपनी मनोकामनाओं को मंदिर की दीवारों पर लिख जाते हैं। मंदिर के अंदर का शायद ही कोई कोना बचा होगा जहाँ कोई मनोकामना नहीं लिखी हो, यानी कि मंदिर की हर एक दीवार और खम्भों पर आपको मनोकामनाएं लिखी हुई दिखाई दे जाएंगी। काली के परम उपासक संत श्री लीलानंद ठाकुर जी रहा करते थे। वे माँ काली की भक्ति में इतने लीन हो गए कि उन्हें पागल बाबा या पगला बाबा कहा जाने लगा। Thank you.
हम चल रहे हैं मंदिर की अगले मंजिल पर। इस मंजिल पर नंद यशोदा मंदिर है। इस मंदिर में आप दर्शन करते हैं माता यशोदा के, जिन्होंने श्री कृष्ण जी को अपनी गोद में बैठा रखा है। मंजिल पर है राम दरबार। इस मंदिर में श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की सुंदर प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं। यह है मंदिर की अगली मंजिल, जहां बावन अवतार मंदिर है। यह मंदिर की आठवीं मंजिल, जिस पर बना है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिसमें श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की अति सुंदर प्रतिमाएं। यहाँ माता सुदेवी कुंड भी है, जो कि बाबा की धर्म पत्नी थी। कहा जाता है कि इस कुंड में नहाने से सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। इसी कुंड के किनारे एक शिव मंदिर भी है। यह मंदिर प्रांगण बहुत विशाल है। यहाँ माता दुर्गा का मंदिर भी है। पागल बाबा माता दुर्गा की साधना किया करते थे। जहाँ एक अग्नि कुंड बना है, कहा जाता है बाबा यहाँ अग्नि कुंड में यज्ञ करते थे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।